जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अब आगामी परीक्षाओं को देखते हुए राजधानी रायपुर में भी लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैन लगाया गया है। परीक्षाओं को देखते हुए फैसला हुआ है। दरअसल स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया है लाउड स्पीकर्स पर। और अगर कोई बगैर परमिशन के लाउड स्पीकर बजाया पाया जाता है तो उस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर कलेक्टर ने बीते दिन अधिकारियों की एक मीटिंग भी ली है। कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 4 एवं धारा 5 के तहत लाउड स्पीकर बजने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने इसके तहत रायपुर नगर निगम की सीमा के अंदर बजने वाले सभी लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लगा दिया है। ट्रक ने पिकअप को मार दी टक्कर, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए जबकि घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मामला छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले का है, जहां पर बीती देर रात ट्रक और पिकअप की भिड़ंत की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के थे और पारिवारिक काम की वजह से खिलौरा से अर्जुनी गांव आए हुए थे। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल की थी। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और वही प्रधानमंत्री राहत कोष से भी सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भी अफसरों को निर्देश दिए। केंद्र के पोर्टल की वजह से 50 गांवों का नक्शा गायब हो चुका है पोर्टल से। किसान अब इसकी वजह से कर्जदार बनते दिखाई दे रहे हैं। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल से जिले के 50 गांवों का नक्शा गायब हो चुका है। खेत, गाँव व खलिहान से लेकर सरकारी जमीन का भी उल्लेख नहीं मिल पा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने एक और कारनामा कर दिया है। इन गाँवों के किसानों के नाम पर 67 लाख रुपए का कर्ज दे दिया है। बैंक ने गाँव और किसान को नाम ऑनलाइन अपडेट नहीं किया है। इसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ेगा। पोर्टल में किसानों के नाम के साथ ही विस्तृत जानकारी अपलोड नहीं की गई है। नतीजतन खरीफ वर्ष 2022 में जिले के मस्तूरी, तखतपुर, कोटा और बेलगहना साथी तहसील के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के नाम में बड़ी संख्या में गड़बड़ी पाई गई है और इनकी संख्या में अपलोड इनके नाम नहीं हुए हैं। मटियारी, सीपत, बुद्री, सैदा, इसके अलावा बुंदेला, खमरिया, पोड़ी सहित दर्जनों ऐसे गाँव हैं जहाँ के जमीनों का नंबर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एक गाँव के किसानों का नाम दूसरे गाँव में भी शामिल कर दिया गया है। इस प्रकार की ढेरों गड़बड़ी निकल कर आ रही है। दुर्ग के तर्रा में एक घर की दीवार को तोड़ करके जो है ट्रक घुस गया। बालोद के ही 2 गांव के 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्ग जिले के ग्राम तर्रा में ये घटना हुई है। दरअसल दुर्ग जिले के ग्राम तर्रा में सड़क दुर्घटना में बालोद थाना अंतर्गत ग्राम गुजरा व खल्लारी के 3 घरों के चिराग बुझ गए। इस घटना में दोनों गाँव के 3 दोस्त की मौत हुई है। रात 12 बजे तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर के बिजली खंभा को तोड़ते हुए तर्रा निवासी गोवर्धन यदु के घर में जा घुसा। 3 दीवार को तोड़ करके ट्रक अंदर घुसा और घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं ट्रक के इंजन में दबे दोनों मृतकों को गैस कटर से काट करके शुक्रवार की सुबह निकाला गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने प्रदेश सरकार के लिए अब लगातार जो है जो आंदोलन है लगातार तेज करती नजर आ रही है। फिल्मी धुनों वाले गीत को गा करके आंदोलन किया जा रहा है, साथ ही महात्मा गांधी की वेशभूषा भी अपनाए हुए हैं। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले 1 माह से जारी है। इनका आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र होता नजर आ रहा है। दावा है कि मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के हड़ताल की वजह से केंद्रों में ताला लटका हुआ है। वहीं छोटे बच्चे, शिशुवती व गर्भवती महिलाएं इनसे जूझ रही हैं। इसके अलावा लाभार्थियों के लिए विभाग के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्थाएं हालांकि कर दी गई हैं। समूह की महिलाओं व सुपरवाइजरों द्वारा रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में तथा प्रदेश सरकार को वादा याद दिलाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका धरना स्थल पर गीत और संगीत गा रही हैं।
ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। भीड़ पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की वजह से लोग भड़के हुए हैं। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है, जहां पर जिले में 5 महीने पहले दर्ज 307 के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से नाराज ग्रामीणों ने बीते दिन थाने का घेराव कर दिया। इसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई है। वहीं पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। मामला त्रिकुंडा थाना के अंतर्गत ग्राम नवाडी का है। ग्राम पंचायत नवाडी में सितम्बर माह में 2022 में जमीन विवाद के मामले में दो पक्षों के बीच पुलिस ने काउंटर केस दर्ज किया था। इसमें एक पक्ष का आरोपी जेल में बंद है, वहीं दूसरे पक्ष के आरोपियों को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है और इसी से आक्रोशित होकर के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। एक और भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो ट्रक ड्राइवरों की जिंदा जलकर ही मौत हो गई। ट्रक के टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तब जाकर के आग पर काबू पाया गया। कोरबा जिले के रिसदी उर्गा बाईपास मार्ग पर जगराहा के पास जो है गुरुवार देर रात दो ट्रकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसके कारण दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं दुर्घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई है। बीती सुबह आग पर काबू जा सका। हादसे की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को दे दी, जिसके बाद तुरंत मौके पर दमकल कर्मी और पुलिस पहुंची। 11,000 केवी की बिजली लाइन को भी बंद कराया गया। नगर सेना, बालको और सीएसीबी की दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दोनों की बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। राखड़ और चावल लोडेड ट्रक के ड्राइवर आग में जिंदा ही जल गए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का जिम्मेदार कौन? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, पूछे गए 14 के 14 सवाल। रायपुर में चले आ रहे कांग्रेस महाधिवेशन के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार के एक भी वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, इसे लेकर भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। साव ने एक के बाद एक कुल 14 सवाल कांग्रेस से किए हैं। इसके अलावा अरुण साव ने लगातार जो है कांग्रेस को घेरने के लिए भी अब लगातार रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें प्रमुख मुद्दा आवास को लेकर भी अब प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों का घेराव जो है, अब विधायक निवास का भी घेराव बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें कोटा में छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाने के लिए निशुल्क जमीन देने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कोटा में स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाने हेतु निःशुल्क जमीन की मांग की है। उन्होंने इस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि वह जमीन कोचिंग संस्थानों के आसपास ही हो, जिससे छात्रों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सीएम ने ये पत्र 23 फरवरी को अशोक गहलोत को लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान के कोटा में विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश के लिए कोचिंग की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इस कारण बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राएं यहां कोचिंग प्राप्त करने जाते हैं। यही वजह है कि सरकार वहां के उन छात्रों के लिए एक हॉस्टल का निर्माण कराना चाहती है, जिसके लिए जमीन की डिमांड राजस्थान गवर्नमेंट से करी गई। छात्रवृत्ति देने की घोषणा आखिरकार हो चुकी है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी शासन ने ली थी और जिम्मेदारी लेने के बाद भूल भी गई थी, लेकिन अब मामला संज्ञान में आने के बाद साथ ही बच्चों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा हो गई है। अब शिक्षा विभाग निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति देना भूल गया था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले खबर प्रकाशित की गई, जिसके बाद से बकाया छात्रवृत्ति भुगतान के पहल की गई और अब राज्य शासन ने इसके लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। प्राचार्यों के अकाउंट में रकम जमा करा दी गई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों को बच्चों के लिए छात्रवृत्ति 10 करोड़ रुपए जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम को लेकर खबर, परीक्षा केंद्रों को शुक्रवार से प्रश्न पत्र का होगा वितरण, 7 दिन पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अपडेट के रूप में 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी मीडियम विद्यालय से होने वाला है। परीक्षा केंद्र अधिकारी व प्राचार्यों को निर्धारित समय पर समन्वयक केंद्र में उपस्थित होने का निर्देश दे रहे हैं। पहले दिन ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र का वितरण होगा।
होगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रश्न पत्र ले जाए जाएंगे, जिसे पुलिस की सुरक्षा में 7 दिनों तक रखा जाएगा। भाजपा का आवासहीन अधिवेशन जो है चलाया जा रहा है, जिसमें पीएम आवास योजना के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए 24 घंटे का आयोजन रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी रायपुर और ग्रामीणों ने मिलकर के बीते दिन दोपहर को 12 बजे से 25 फरवरी दोपहर 12 बजे तक कम्युनिटी हॉल आरंग के पास आवासहीन अधिवेशन का आयोजन किया है। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा ने आरोप लगाया है कि भूपेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे को रोककर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। की कांग्रेस ने 24 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 25 फरवरी दोपहर 12 बजे तक कम्युनिटी हॉल औरंग के पास आवासहीन आयोजन अधिवेशन का आयोजन किया है, और ऐसे में इस दौरान भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अभिनेश बॉबी कश्यप ने एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी। और अब खबर छात्राओं के लेकर, जहां पर छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित सारंगढ़ में एक स्कूल में एक साथ 8 बच्चे के बीमार हो गए। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की समस्या आ रही है। सभी को इलाज के लिए सारंगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले से भी सभी बच्चों को यह समस्याएं हो रही हैं। मामला सारंगढ़ के लेंथरा छोटे मिडिल स्कूल का है, और इसकी बात करें तो प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल से पूछताछ की गई तो पता चला कि मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा अचानक क्यों हो रहा है। परिजनों का कहना है कि बच्चों ने बताया कि सीने में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, गले को कोई दबा रहा है, यह कहकर के बच्चे रो रहे हैं। कई बच्चे बेहोश भी हो गए हैं, और एक छात्रा का कहना है कि बाथरूम जाने पर यह समस्या होती है। परिजनों का मानना है कि यह भूत प्रेत का मामला हो सकता है। हालांकि दैनिक छत्तीसगढ़ इन सब चीजों का समर्थन नहीं करता। सुषमा स्वराज के सहारे छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएगी भाजपा, चलेगा कमल मित्र अभियान। दरअसल छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने रायपुर से लेकर बस्तर तक आदिवासी महिलाओं तक पहुंचने के लिए रणनीति तय की है। प्रदेश की आधी आबादी तक पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा 2 योजनाओं एक साथ चलाने वाली है। इसका नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा को मिला है। 27 फरवरी से भाजपा सेल्फी विद बेनिफिशियरी अभियान शुरू करने वाली है। इसके तहत महिलाओं के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की लाभार्थी महिला के साथ सेल्फी लेकर इसे पीएम मोदी ऐप में अपलोड किया जाएगा। देश भर में भाजपा 1 करोड़ महिलाओं के साथ सेल्फी लेने वाली है। इसी के साथ ही भाजपा ने कमल मित्र अभियान के तहत महिला मतदाताओं से बूथ स्तर तक भाजपा से जोड़ने का अभियान मार्च में शुरू कर सकती है। पिस्टलधारी युवती ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी। पुलिस की नज़र इस पर पड़ी तो एसपी ने जम करके क्लास लगाई। आर्म्स एक्ट में भी पुलिस ने इनको है पकड़ा हुआ है। दरअसल आजकल जो है एक हमारे एसपी साहब है अभिषेक पल्लव जी, ये काफ़ी चर्चा में है। सोशल मीडिया में गैरकानूनी वीडियो डालने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दुर्ग एसपी यानी दुर्ग पुलिस लगातार एक अभियान छेड़ रखी है, और इसके लिए स्वयं एसपी अभिषेक पल्लव लगातार अपना समर्थन कर रहे हैं। अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी इन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया पर। एसपी ने नागरिकों के लिए एक ऐसा वीडियो भी जारी किया है जिसमें कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसमें भेजने की भी अपील की जा रही है। ऐसे ही एक मामले में सोशल मीडिया में पिस्टल के साथ एक अपनी पिक डालने वाली युवती को पुलिस ने धर लिया है, और एसपी ने जम करके इनकी क्लास लगाई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।